अब तक के सबसे खराब मौसम के लिए तैयार हो जाओ। धूप किसी चाहिए था 10 फीट। ये मुझे किसी की याद दिला रही है। ये तो वही है, शायद अकुमा ने इसे कंट्रोल कर लिया है। स्टॉर्मी वेदर की दुनिया में हमेशा ही खुशनुमा सर्दी बनी रहती है। तो ये एक रिकॉर्डिंग है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जल्द ही मिराकुलस मेरी हो जाएगी। उन्हें मेरे पास लेकर आओ। फ्रॉस्टी स्नोगल हाथ से निकल रही है। क्या मैंने अभी तुम्हारी चीख सुनी? हर कोई रात में नहीं देख सकता। परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। फिर उस राक्षस ने राजकुमारी को हाथों में उठा लिया और उससे कहा, मेरी आंखों में देखो। फिर राजकुमारी ने उसकी आंखों में उंगली डाल दी। जैसे ही उसने उस शापित आलू को खाया, बेचारी राजकुमारी बहुत गहरी नींद में सो गई। जल्दी करो लेडी बग। ओके, अब हाथ छोड़ दो, यहाँ से मैं संभाल सकती हूँ। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे पीछे चलती हूँ। बेवकूफों, तुम आसानी से मेरे जाल में फंस गए। यही समय है, मिराकुलस को मेरे पास ले आओ। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, खेल खत्म हुआ। हमने बस शुरुआत की है। स्टॉर्मी लकी चार्म। एक बाथ टॉवल, इसे मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी? बढ़िया, तो हमारी धुलाई होने वाली है, पर हम भीगेंगे तो नहीं? अपना मुंह बंद करो। बर्फ गिराओ। तो अकुमा को हराने का क्या प्लान है? मेरे हाथ दुख रहे हैं। वो जो निशान है उसे चेक करो। तुमने लूका को लाकर बहुत अच्छा किया मैरिनेट। ऑफ कोर्स, फ्रेंड्स होते किस लिए हैं? पता नहीं कगामी का क्या करूं? क्या मुझे उसका हाथ पकड़ना चाहिए? तुम्हें उसे गिरने देना चाहिए। क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि उसे गिरने मत देना। तुम कुछ भी करना लेकिन उसे गिरने से बचाना। तो उसका हाथ पकड़ो और आइस पर जाओ और फिर ये तुम्हें आराम से करना चाहिए। फ्लो के साथ चलो और रिदम सुनो, मुझे फॉलो करो। डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अब किस बारे में? कि तुम्हें अपनी लेसेस बांधना भी नहीं आता। कम ऑन। यंग मैन, कभी आइस स्केटिंग सीखने के बारे में सोचा है? जजेस तुम्हारी स्माइल से घायल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, पर मेरी लाइफ में पहले से ही म्यूजिक है और शायद मैं नई धुन बनाने वाला हूँ। तो म्यूजिक स्केटिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, सोचो। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है इसलिए तुमने उन्हें बुलाया है? बिल्कुल नहीं, मैंने बस मैरिनेट से हेल्प मांगी थी। कैसी हेल्प? बस मुझे स्केटिंग सिखाने के लिए। पर उसके लिए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। तो मैं चैंपियंस वाली बात है, स्टाइल, टैलेंट, मुझे तुम्हारा प्राइवेट कोच बनने दो। मैं आर्चरी और फेंसिंग जैसे नोबल आर्ट सीखती हूँ, आइस स्केटिंग सिर्फ मजे के लिए है। आ, 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 आ,
तुम्हें एक वीक के लेसंस फ्री में सिखाऊंगा। बस कुछ घंटे रोज और तुम स्टार बन जाओगी। थैंक्स, पर मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। क्या वो एड्रिन अग्रेस्ट है? एड्रिन अग्रेस्ट, मैं ग्रेस्ट, स्टाइल मॉडल और प्रोफेशनल आइस स्केटिंग चैंपियन को देख सकता हूँ। अगर तुम मुझसे सीखो तो दुनिया में तारों की तरह छा जाओगे। हाँ, ये सच है। मैं श्योर नहीं हूँ। ये ऑलरेडी मेरे साथ फेंसिंग करता है। तुम ठीक हो? उन्हें पकड़ो माय जायंट्स, लेडीबग, कैट नोआर या जो भी तुम्हारे सामने आए उसे बर्बाद कर दो। लोग तो माल के हैं। इसीलिए तो कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि जी। ये तो उम्मीद से ज्यादा देर टिक गए। लेकिन हमारे प्लान का आखिरी दाव अभी बाकी है। तुम आइसक्रीम मैन को संभालो कैट नोआर। क्यों नहीं, फाइटिंग कर करके मुझे भूख भी लग रही है। बचे हैं मौत, कैराक्लिज्म। लकी चार्म। ये एक साइन है हॉक मौत, यही कि तुम्हारा मिराकुलस इस बॉक्स में कैद होने वाला है। सोच लो कि कहीं तुम गलत ही तो नहीं कर रही। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे मिरेकुलस लेकर मैं जो विश पूरी करूंगा वो सबके भले के लिए नहीं है? अगर विश पूरी करना चाहते हो तो उसकी कीमत भी होगी। अपनी विश हमें बता दो हॉक मौत। मुझे अपना मिरेकुलस दे दो, पता चल जाएगा। तुम्हारी तरह मैं इन पावर्स को यूज करने से डरती नहीं। तुम इतनी ही अच्छी हो तो इस दुनिया को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करती? हम दुनिया को बदल रहे हैं हर दिन हमारे काम से, सिर्फ विश करके या लोगों को मुसीबत में डालकर नहीं। हॉक मौत, तुमने अब तक जो कुछ भी किया उस हिसाब से तुम्हारी विश पूरी ही होगी। समय आ गया, आखिरकार अब तुम जीतने वाले हो। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अच्छाई का साथ दे सकते हो। लेकिन अब तुम बचोगे नहीं। एड्रियन! जाओ उसे जल्दी से ढूंढो, जल्दी जाओ! हेलो, हाँ, मेरी क्रिसमस। नहीं मैम, वो मेरे घर पर नहीं है। एड्रियन घर पर नहीं है? वो किडनैप हो गया? मजाक कर रहे हो? डोंट वरी सबरीना, हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढ निकालेंगे। किडनैप? जरूर कुछ और हुआ होगा। आस पड़ोस में जाकर देखते हैं, कहीं दिख जाए। प्रेजेंस बाद में देखते हैं। तुम आओगी मैरिनेट? मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं यहीं रुकती हूँ। अगर कुछ पता चला तो कॉल करती हूँ, ठीक है? जल्दी हमें एड्रियन को ढूंढना होगा। Do
डोंट वरी प्लैग, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ, लेकिन कैमेम्बर्ट मिलेगा ये प्रॉमिस नहीं करता। झगड़ने की जरूरत नहीं बच्चों, गुड ओल्ड सांता क्लॉस के पास सबके लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट कितने बकवास है, और आप असली सांता भी नहीं है। hey, थोड़ा आराम से। हम जानते हैं कि तुम असली सांता नहीं hey, हो। क्या कर रहे हो तुम? जब असली सांता तुम्हारे ऐसे बिहेवियर को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उन्होंने बिल्कुल सही कहा बच्चों, चलो अभी उनको सॉरी बोलो। सॉरी सांता क्लॉस। कोई बात नहीं बच्चों, तुम सबको मेरी क्रिसमस। सेम टू यू। सॉरी सर, क्या आप ठीक है? फाइन, डोंट वरी, मैं टफ ओल्ड सांता क्लॉस हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? रास्ता खो गए? ये लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, हॉट चॉकलेट पीना पसंद करोगे? मेरे पास थोड़ी बची है। हाँ क्यों नहीं सर, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ लेकिन थोड़ा कैमेम्बर्ट होता तो मजा आता। ओहो तुम बहुत लकी हो, मेरे पास थोड़े सैंडविच बचे हुए हैं, इससे ज्यादा स्मेली चीज मैंने आज तक नहीं देखी। स्मेल तो परफेक्ट है। चलो अच्छा है, तो तुम खोए नहीं हो है ना? ये मेरा पहला क्रिसमस है मॉम के बगैर, और मेरे डैड। तो तुम मूव ऑन नहीं कर पाए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, वो परेशान हो रहे होंगे। अब बाहर आकर तुमने तुम्हारा दिमाग शांत कर लिया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब घर जाना चाहिए? हाँ सही कहा आपने। तो चलो बच्चे, क्रिसमस का यही असली मजा है, फैमिली के साथ रहो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कम ऑन प्लैग, ठीक है लेकिन आपको ये पहनना होगा, अगर आप ये लेंगे तो मेरी फ्रेंड को अच्छा लगेगा। प्रेजेंट मेरे लिए? क्रिसमस प्रेजेंट तो सब डिजर्व करते हैं ना। थैंक्स अ लॉट बेटा। लूना, माया और तालिया के लिए, जब अपनी बेटियों से कहूंगा कि आपसे मिला था तो वो पागल हो जाएंगी। सांता क्लॉस, खुशी हुई कि आप ठीक हैं, पर आप आज यहाँ पर कैसे? अभी क्रिसमस नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं अपने एल्फ्स के साथ अगले क्रिसमस के लिए खिलौने के प्रोडक्शन की देख रेख कर रहा था कि अचानक धड़ाम, नींद खुली तो मैं पेरिस के आकाश में उड़ रहा था। उड़ती कैटफिश ने मेरे स्ले को खराब कर दिया, मेरे रेंडियर तो बचकर निकल गए, और कैट नोवर ना होता तो मुझे जरूर पकड़ लेते। तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कैट नोवर? फेरो के नए अवतार या पिजन ओवरलॉर्ड से लड़ने या जादुई तितलियों से पावर से भी ज्यादा अजीब लग रहा तुम्हें? मैंने सुनकर तुम्हारा पता लगा लिया है सांता, मेरे साथ चलो और कोई गड़बड़ी मत करना। मत जाओ सांता, क्रिसमास्टर को उसका गिफ्ट चाहिए। क्रिसमास्टर? क्रिसमस गिफ्ट के लायक बनो, और वो सिर्फ क्रिसमस पर ही मिलता है। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए मैं रूल्स तोड़ दूंगा तो ये गलत फहमी है। एक मिनट रुक जाओ, लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्रिसमस पर कोई ऐसे लड़ता है क्या? क्या हो जाएगा अगर मुझे जल्दी गिफ्ट दे दोगे तो? बस एक बार इस स्मार्ट आदमी का काम मानो। और बात निकली तो बता दो, मुझे फिगर स्केट्स चाहिए, आने वाले कॉम्पिटिशन में मेरे काम आएंगे। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, और मुझे बस ये ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं? क्रिसमस रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, गिफ्ट्स को पहले नहीं खोल सकते। मैं उन्हें क्रिसमस पर देता हूँ, ईस्टर या हैलोवीन पर नहीं, वरना तो बनी या विच भी आकर गिफ्ट्स दे सकते हैं। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? पर क्या आप एक बार नहीं कर सकते? रूल्स तो रूल्स हैं, हमने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्रिसमस का क्या मतलब? वैसे एक मामले में मैं एक्सेप्शन कर सकता हूँ, और वो है सबसे अच्छे बच्चे के लिए, अच्छे बच्चों की लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर होगा। वाह लेडी बग, कम से कम किसी को तो क्रिसमस के रूल्स पता हैं, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये क्रिस मास्टर दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। तब तो फिर सिपाहियों अटैक! अटैक! इतनी नफरत क्यों? लेडीबग कैट नोवा, सांता को बचाओ, इन खिलौनों को मैं देख लूंगा। चलो, और एक पाइप स्पिन के साथ मैंने लिया डबल दोनों। ओह क्या मिजाज है तुम्हारे, ये दांत खिलौने के हैं या असली? मुझे यहाँ से निकालो। मुझे पता है खिलौनों का मास्टर कौन है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? वो कौन है? पहले मुझे चेक करके देखना होगा, मैं देख सकती हूँ सांता? वुड फायर और सिनेमन कुकीज की खुशबू एकदम
क्रिसमस जैसी। अब तुम्हारी बारी सांता कैट। इस तरफ, मुझे सांता क्लॉस की महक आ रही है। हो हो हो, सबको मैरी क्रिसमस। देखो वो रहा, उसकी महक आ गई, वो पास ही है। चलो मेरे साथ। मेरे साथ चलिए सांता, मुझे पता है क्रिस मास्टर कहाँ मिलेगा। तुमने उनके साथ क्या किया? जानबूझकर नहीं किया, तुम उसे ठीक करने में मेरी मदद करो। सच तो ये है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए अब मैं डिस्ट्रॉय करूंगा तुम्हें, मुझे, हमारी यादों को, सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, वो दुनिया को खत्म करने चला है लेडी बर्ड। ओके ओके, मैं तुम्हें अपना मिरेकुलस दे देती हूँ। मैं कैट नोअर नहीं हूँ, मैं हूँ कैट प्लान। मेरे लिए तो तुम हमेशा कैट नोअर रहोगे। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। अलविदा नन्ही तितली।